जीएसटी में रिफंड एप्लीकेशन से जुड़ी एक नई अनाउंसमेंट आई है, जिसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप रिफंड फाइल करते हैं या फिर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में आप रिफंड फाइल करेंगे तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अनाउंसमेंट क्या आई है, वो कैसे मेरे लिए रेलिवेंट है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में अनाउंसमेंट क्या आई है। दोस्तों, अनाउंसमेंट को जानने से पहले मैं आपको जीएसटी में रिफंड का एक छोटा सा प्रोसीजर बताऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जीएसटी किस प्रोसीजर के थ्रू रिफंड को इनिशिएट करता है। जीएसटी में बेसिकली दो प्रोसीजर हैं रिफंड को आप कह सकते हो ट्रैक करने के लिए, या फिर उससे प्रोसीजर के थ्रू वो रिफंड इनिशिएट होता है। पहला प्रोसीजर है कि जिसमें टैक्स ऑफिसर जो है वो आपका एसेस करके आपको रिफंड क्लैरिफाई करता है, मींस प्रोसेस करता है। दूसरा आपका है पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू। पीएफएमएस पोर्टल क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, इसका नाम है ये पूरा, जिसमें आपके बैंक अकाउंट वैलिडेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। उसके भी दो स्टेजेस हैं, वो किस किस स्टेज पे होता है। पहला स्टेज उसका है जीएसटी RFD-01, जब आप फाइल करते हैं उस टाइम पे आपका एक बार बैंक अकाउंट वैलिडेट होता है। सेकंड टाइम पे जब आपको पेमेंट ग्रांट मिल जाती है, मींस टैक्स ऑफिसर के थ्रू अप्रूवल हो चुका है उधर से कि अब आपको पेमेंट मिल जाएगी, उस टाइम पे भी पीएफएमएस पोर्टल है वो आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट कराता है। आपका ग्रांट किस में मिलता है, उसके लिए फॉर्म होता है जीएसटी RFD-05। मींस अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में दो चीजें हैं। एक तो जीएसटी पोर्टल में टैक्स ऑफिसर जो एसेस करेगा वो प्रोसीजर हो गया, दूसरा प्रोसीजर आपका पीएफएमएस, मींस जहां पे आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन होगा। ये दोनों पोर्टल को आप इस पे एप्लीकेशन अपना कैसे ट्रैक कर सकते हैं, किस किस चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको ट्रैकिंग पता चल सकती है, उस चीजों को मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। ऑनलाइन आपको शो करके दिखाऊंगा चीजें कि हाँ, आप इस तरीके से इस पोर्टल पे ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि अब जीएसटी पोर्टल ने अपने ही पोर्टल पे टैक्सपेयर की सुविधा के लिए एक नई फैसिलिटी जनरेट की है, जिससे कि आप अब अपने रिफंड की पोजीशन को जान सकते हैं ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे ही। उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक तो जीएसटी पोर्टल पे ही आप चेक कर सकते हैं, दूसरा पीएफएमएस पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। दोनों का वे क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट ये अनाउंसमेंट आपके लिए अभी बहुत बड़ी है, जिससे लोग जो रिफंड फाइल करते हैं या फिर पहले उनके रिफंड अभी तक पेंडिंग में है तो वो अलग अलग वे से इसको जान सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता सकता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें जो आपका कवर होगा वो ये होगा कि अगर आपने पहले से रिफंड डाला हुआ है, फाइल किया हुआ है, तो आप उसकी पोजीशन एक्चुअल जान सकते हैं कि हाँ, इस एरर की वजह से अभी तक मेरा रिफंड रुका हुआ है। अगर आपका बैंक अकाउंट एरर बताता है, मींस वैलिडेट नहीं हो पाता है किसी रीजन से, तो वो आप पीएफएमएस पोर्टल पे जहां आपका बैंक वैलिडेट होता है वहां पे उसका रीजन आप देख सकते हैं और उसे अपने तरफ से करेक्ट कर सकते हैं। एक रीजन आपका और है कि अगर आपका रिफंड इनिशिएट हो चुका है, मींस अब ड्यू टू क्रेडिट रिफंड ग्रांट होने के बाद जब इनिशिएट हो चुका है, बस क्रेडिट होने वाला है, उस टाइम पे भी आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, रिफंड इनिशिएट हो चुका है और अभी इन प्रोसेस है, मेरे अकाउंट में कुछ दिन में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको ये नई फैसिलिटीज के आपके बेनिफिट हो सकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जीएसटी पे आप इसे लाइव कैसे ट्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास लॉगिन एक्सेस है तो, और दूसरा पीएफएमएस पोर्टल आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है जीएसटी रिफंड ट्रैक करने के लिए। दोस्तों, आज की अनाउंसमेंट के लिए बस इतना ही। बाकी मैं कुछ चीजें अभी बोलना चाहूंगा लास्ट मिनट पे। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में और बाहर की कंट्रीज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आदमी की जान तक जा सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, और इसको ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड होता है, इसको रोकना बहुत ही नामुमकिन होता है। हमारे
गवर्नमेंट जो है हमारी वो इसको रोकने के लिए बहुत ही इनिशिएटिव ले रही है, बहुत ही लोगों को हेल्प कर रही है, और आप सब लोग से यही प्रे कर रही है कि आप अपने घर में रहें, जिससे कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी सेफ्टी को बचा सकते हैं। तो मैं भी पूरे टैक्स फॉर वेल्थ की टीम की ओर से, अपनी ओर से आप सभी लोग से यही निवेदन करूंगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि ये कोरोना वायरस से हम लड़ाई कर पाए और आगे इसके स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। हम भी अभी इस समय घर पे, हमारी टैक्स फॉर वेल्थ की पूरी टीम आप लोगों के लिए रेगुलर आपको कैसे अपडेट्स देनी है उस चीजों पे वर्क कर रही है। आपकी मॉर्निंग ब्रीफिंग, हमारी इवनिंग ब्रीफिंग, ये सारी चीजों पे हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही सारी चीजें डालते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।